बॉलीवुड की कुछ खास खबरें। पिता डेविड धवन ने बताया वरुण कब कर रहे हैं शादी। अर्जुन मलाइका के साथ वरुण धवन की भी शादी के चर्चे जोरों पर है। वरुण और नताशा दलाल जल्द शादी के बंधन में बन सकते हैं। दोनों की शादी को लेकर पिछले कई समय से अलग अलग खबरें सामने आ रही है। वरुण भले ही अपनी शादी को लेकर कुछ नहीं बोलते, लेकिन इस बारे में अब उनके पिता डेविड धवन ने इसके बारे में बात की है। डेविड अपने बेटे और नताशा की शादी को लेकर काफी खुश है। उन्होंने बताया कि दोनों शायद अगले साल शादी कर सकते हैं। डेविड धवन ने कहा कि मैं दोनों के रिश्ते को लेकर खुश हूँ, एक पिता और क्या चाह सकता है। बता दे कि करण जौहर के शो में वरुण धवन ने बताते हुए कहा था कि मैं नताशा को डेट कर रहा हूँ, हम कपल है, मैं उससे शादी करने के बारे में प्लान कर रहा हूँ। जल्द एक साथ फिल्म में नजर आ सकते हैं सलमान, शाहरुख और आमिर। आमिर शाहरुख और सलमान खान बॉलीवुड के वो तीन नाम जिनके नाम से महज फिल्में चलती है। इनको एक ही फिल्मों में साथ देखकर कई अरसे हो गए हैं। तीनों खान एक साथ एक फिल्म में देखना फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये सपना अब जल्द ही हकीकत में बदल जाए। जानकारी के अनुसार हाल में तीनों खान ने मुलाकात की। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान के घर मन्नत पहुँचे थे। यही तीनों खान की मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि ये मुलाकात किसी खास प्रोजेक्ट को लेकर हुई है। बता दें कि एक समय था जब महज इनके नाम से फिल्में चलती थी, लेकिन तीनों के पिछला कुछ समय अच्छा नहीं रहा। बीते साल 2018 में तीनों खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। रेस 3, जीरो और टॉक्स ऑफ हिंदुस्तान साल की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई फिल्में हैं, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि तीनों एक साथ एक ही फिल्म में नजर आ सकते हैं। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS India